यह वीडियो दवा की साधारण जानकारी हेतु बनाया गया है। किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अपनी मर्जी से किया गया दवा का इस्तेमाल सेहत के लिए घातक हो सकता है। वेलकम फ्रेंड्स, बात करेंगे वाइग्रा टैबलेट के बारे में। वाइग्रा टैबलेट फाइजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह टैबलेट 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। वाइग्रा टैबलेट मेनली बॉडी में ब्लड के फ्लो को इनक्रीज करता है। स्पेशली यदि बात करी जाए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की इरेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पुरुषों में सेक्स के दौरान पेनिस यानी कि लिंग का तनाव ना हो पाना जैसी दिक्कत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यदि बात की जाए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल लिंग में तनाव व उत्तेजना बनाए रखने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार अंदर से मेल्स सेक्सुअली डिज़ायर तो होते हैं लेकिन ब्लड फ्लो पेनिस में ढंग से नहीं हो पाता, जिस कारण वह सेक्स का आनंद नहीं ले पाते। सेकेंडली, कई लोगों में इरेक्शन की प्रॉब्लम होती तो है लेकिन वह जल्दी टिक नहीं पाते। ऐसे में वह अंदर से सेक्सुअली डिज़ायर तो हैं लेकिन ना तो वह डिस्चार्ज होते हैं बल्कि उससे पहले ही उनका पेनिस इरेक्शन यानी कि लिंग में तनाव ख़त्म हो जाता है। उसमें भी यह गोली हेल्पफुल होती है, जिसमें कि यह टैबलेट ब्लड के फ्लो को मेंटेन करती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यह टैबलेट कितनी देर में अपना इस्तेमाल करने के बाद असर दिखाती है। तो साधारणतः यह टैबलेट अपना असर 20 मिनट से लेकर के 1.5 से 2 घंटे तक का भी समय बॉडी में असर दिखाने के लिए ले लेती है। इसी के साथ यदि बात करें कि इस टैबलेट का असर कितनी देर तक रहता है तो मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन या सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका असर हमें 3 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम तौर पर कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जिनका असर 24 से लेकर के 36 घंटे तक भी देखने को मिलता है। साधारणतः यह सॉल्ट्स एक किस्म से हेल्पफुल तो हैं लेकिन यह 24 से 36 घंटे तक का असर इस तरह से बॉडी में दिखाते हैं कि यह असर एक किस्म से साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी रहता है। यदि बात की जाए इस 24 से 36 घंटे तक के असर की तो इसमें मेल्स सेक्सुअली परफॉर्म अच्छे से तो कर पाते हैं लेकिन वह टैबलेट के असर से इस कदर गुजरते हैं कि हालांकि सेक्सुअली डिज़ायरनेस फिनिश भी हो गई होती है लेकिन तनाव 24 से 36 घंटे तक पेनिस में देखने को मिलता है। और यह सब मेडिसिन के असर के कारण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे, यह मेडिसिन पेनिस में इरेक्शन लाने के लिए सहायक तो है पर यह एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पर एक्ट करती हैं। जब तक दवा लेंगे तब तक यह अकॉर्डिंग टू टाइम यह अपना असर दिखाएगी। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं वाइग्रा टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें हमें ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसी के साथ जो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो वह इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। यदि अन्य साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो यूज़ करने वाले को घबराहट का होना, जी मचलाना, चक्कर का आना, लाइट हेडेक के साथ साथ बेचैनी महसूस होना व मूड डिस्टॉर्शन जैसी समस्या के साथ साथ शरीर में गर्माहट का एहसास होना जैसी साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें व इस दवा का इस्तेमाल करने से पूर्व डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि कई बार हम अन्य रोगों से भी ग्रसित रहे होते हैं और उनका भी ट्रीटमेंट चला हुआ होता है तथा उन मेडिसिन के साथ इस तरह की गोलियों का असर
हमें हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट या कोई अन्य मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही यदि हम इसके अन्य साइड इफेक्ट की बात करें तो कई बार शुरुआत में यह टैबलेट अपना असर बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाती है, लेकिन यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल कंटिन्यूसली या रेगुलरली किया जाए तो धीरे धीरे यह टैबलेट अपना असर करना छोड़ जाती है व बॉडी इस तरह की टैबलेट्स की हैबिचुअल यानी कि हमारा शरीर इस तरह की गोलियों का आदि बन जाता है और अपना असर यह गोली शरीर में दिखाना धीरे धीरे बंद कर देती है। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रहे, इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के ना ही करें, ना ही इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल रेगुलरली करें, क्योंकि यह एक टेम्परेरी यानी कि अस्थाई सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल हमें नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। यदि कॉमनली यदि हम बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल महीने में एक बार या 2 से 3 महीने में 2 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर यूज़ करने से इसके यह कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति क्यूरियोसिटी के तौर पर या नॉर्मली इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहता हो तो ध्यान रहे, इस मेडिसिन का इस्तेमाल उसे हल्की डोज के रूप में करना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे, इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के व रेगुलर तौर पर भूल करके भी ना करें। जिस किसी व्यक्ति को इरेक्शन की प्रॉब्लम ना हो या नॉर्मली वह इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहता हो तो इस तरह की मेडिसिन में हल्की डोज का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह मेडिसिन एक साधारण व्यक्ति को भी हाई ब्लड प्रेशर व लाइट हेडेक के साथ साथ बेचैनी का महसूस होना, शरीर में गर्माहट का होना व चक्कर का आना, साथ ही जी मचलाना व घबराहट जैसी स्थिति बॉडी में उत्पन्न कर सकती है। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के यानी के कुछ सावधानियों के बारे में। यदि वाइग्रा यानी के सिल्डनाफिल सॉल्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रहे, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही यदि आप कोई अन्य किसी भी प्रकार की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो उनका भी इस्तेमाल ना करें। साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रहे कि इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें व जंक फूड को अवॉइड करें, तथा इसी के साथ साथ स्पाइसी फूड व तला भुना मसालेदार या बर्गर व अन्य किसी भी प्रकार के जंक फूड को अवॉइड करें, तथा अपनी डेली लाइफ रूटीन में एक अच्छा व डाइट वाला फूड ऐड करें। साथ ही फ्रूट्स व फल सब्जियों के इस्तेमाल करें, साथ ही वॉकिंग व एक्सरसाइज का एडिशन अपनी नॉर्मल रूटीन में लाएं, जिससे कि इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करने से बचा जाए और एक हेल्दी लाइफ इंजॉय की जाए। तो फ्रेंड्स हमने जाना वाइग्रा यानी कि सिल्डनाफिल सॉल्ट व टैबलेट के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।